हम माइक के करीब में लाते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों आपको साउंड देखिए अच्छा तरीका से ये वर्क भी कर रहा है साउंड। आप हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी हमारे पास में एक नेक बैंड जो कि बोट कंपनी का है वो रिपेयर के लिए आया है, तो कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आपको टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वायर यहाँ पे तोड़ टूटा हुआ है और एक साइड का यहाँ पे सही है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब इसमें साउंड नहीं दे रहा है। तो दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इसका तो सेम है नहीं, उसका कहना है कि एक ही इसको बना दीजिए। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ से ओपन करना होगा और ओपन कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ ओपन कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। तो यहाँ पे हल्का सा इसके अंदर में डालिए, देखिए तो यहाँ पे ये इसका बोर्ड है। और दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों वायर जुड़ा हुआ है फिर भी इसमें साउंड नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कट करके फिर यहाँ पे जोड़ कर यहाँ पे इसका कनेक्शन करूंगा और फिर देखूंगा क्या मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है या आगे कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए हम तो फटाफट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं फिर यहाँ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं क्या मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको जो वायर कटिंग किए हैं उसको हटाते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, तो इसको हटा लेते हैं। उसके बाद मैं अपना वायर को एक ब्लेड से खुर्चूंगा, स्केच करूंगा ताकि उसके ऊपर जो पेंट है। तो चलिए मैं फटाफट आपको, देखिए दो वायर है तो दोनों का अच्छा तरीका से ऊपर का पेंट उड़ा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास में ब्लेड वगैरह है तो उससे उड़ा दीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करना है एक माचिस से या लाइटर से इसको जला लीजिएगा ताकि इसके ऊपर का पेंट अच्छा से हट जाए। तो दोस्तों इसको खोच लेना है, खोचने के बाद इसको बढ़िया से देखिए ऊपर लपेट कर फिर आप इसको सोल्डिंग आयरन के से क्या करना है, देखिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ शोल्डर लेके बढ़िया से दोनों तरफ लगा लीजिएगा ताकि इसमें देखिए इसमें सिल्वर सिल्वर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दोनों का कनेक्शन कीजिएगा तो अच्छा तरीका से कनेक्शन हो जाए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो दोस्तों वो स्पीकर मेरा वर्क नहीं किया है तो मैं क्या किया हूँ, देखिए ये तो ये दूसरा स्पीकर लिया हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोनों पॉइंट पे और उसके बाद देखेंगे क्या ये मेरा स्पीकर खराब है या इसका आगे प्रॉब्लम है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं जैसा कि मैं आप बताया हूँ। तो दोनों पॉइंट में इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद में इसको ऑन करके देखेंगे क्या ये मेरा वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट, तो हम ये वाला ये स्पीकर को यहाँ से जैसा कि मैं बताया हूँ कट करके लगाया हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, पूरा वायर ही खराब है। तो मैं चेक किया हूँ दूसरा स्पीकर था मेरे पास में उसको लगाकर, तो ये 100% वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या मेरा अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ, तो चलिए इसको हम स्पीकर को माइक के करीब ले जाते हैं फिर आपको इसका साउंड सुनाते हैं क्या मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको माइक के करीब में लाते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों आपको साउंड देखिए अच्छा तरीका से ये वर्क भी कर रहा है, साउंड आपको शायद सुनाई दिया होगा। तो चलिए एक बार ऑफ करके इसको दिखाते हैं। तो देखिए ये अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है और अच्छा तरीका से साउंड दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना दोनों साइड में यही स्पीकर लगा दूंगा जो कि एक एयरफोन का स्पीकर है। तो आपको भी अगर इसका मेन स्पीकर खराब हो जाए तो आपको एक एयरफोन लेना है, एयरफोन के दोनों साइड के निकाल कर फिर आप यहाँ पे दोनों साइड कनेक्शन कर दीजिएगा तो ये अच्छा तरीका से वर्क करेगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है, कुछ सीख मिला है। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।